हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्लास ट्वेल्थ के बाद जो लोग फोर्स के अंदर जॉब करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि उनको दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करना है। सो गाइज, ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए कि आफ्टर ट्वेल्थ आप कौन कौन से फॉर्म्स भर सकते हो अगर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर जाना, आपको एक बेल्ट की नौकरी चाहिए और आपको देश के लिए कुछ करना है। सो गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सपना है कि आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहने वाली आपके लिए वीडियो, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने सब कुछ यहां पे नोट्स बना के रखे हैं ताकि आपको समझाने में बहुत कम ही समय लगे मुझे और बिल्कुल भी परेशानी ना हो। सो सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखो गाइस, दिल्ली पुलिस के अंदर चार टाइप्स की वैकेंसीज होती हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्लास ट्वेल्थ के बारे में। क्लास ट्वेल्थ अगर जब आप पास कर लेते हो तो उसके बाद कौन कौन से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर की जॉब होती है और ड्राइवर की जॉब होती है। उसके बाद एक और आता है जिसे बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। आफ्टर ग्रेजुएशन आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका एग्जाम का नाम होता है CPO एग्जाम। जैसे CGL एग्जाम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, ऐसे ही आफ्टर ग्रेजुएशन CPO एग्जाम होता है। उसमें डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। आपके कंधे पे दो स्टार यहाँ, दो स्टार यहाँ और एक आपका थाना मिल जाता है। सो चलिए बात करते हैं हम क्लास ट्वेल्थ के बारे में। बेसिकली सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कांस्टेबल, जो लोग हवलदार के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर क्लास ट्वेल्थ पास मांगा जाता है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ पास दें, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से हो, आप सिर्फ ट्वेल्थ पास होनी चाहिए। कोई परसेंटेज मैटर नहीं करती है, क्लास ट्वेल्थ पास होना है और उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या एग्ज़ाम प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपका एक रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और उसके साथ एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। उसके बाद मेडिकल्स वगैरह और आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो फिजिकल के अंदर आपको एक नॉर्मल सी रनिंग करनी होती है। 6 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद हाई जंप एंड लॉन्ग जंप होती है। 14 फीट की लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप आपकी 3 फीट से अबव होती है। और इसके अंदर जो हाइट क्राइटेरिया रखा जाता है वो 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही होता है। सो बहुत इजी सा एग्ज़ाम है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि एक ऑफिस जॉब है दिल्ली पुलिस के अंदर। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जॉब है, जो मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर ये जॉब आपकी लग जाती है। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्राइटेरिया होता है। बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके अंदर, टेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है इसके अंदर, टाइपिंग टेस्ट भी होता है और कंप्यूटर फॉर्मेटेशन का भी टेस्ट होता है। मतलब आपकी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी मांगते हैं। 35 आपकी स्पीड होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से और उसके बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो इस बार जो फॉर्म निकलने वाले 2022 के अंदर, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ऐसे ही कांस्टेबल का भी आ चुका है, लेकिन वो 2023 में निकलेंगे। तो आई विल अपडेट यू। इस बार जो इसके फॉर्म निकलेंगे हेड कांस्टेबल के, मिनिस्ट्रियल जॉब के, वो मई के अंदर निकलेंगे और जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो सेप्टेम्बर में होने वाला है। अगर आप चाहते हैं अभी से आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना तो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया होते हैं सभी जॉब्स के लिए, मैं आपको बताता हूँ। यूआर कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 25 होता है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, और ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी एज 21 या 22 तो हो ही जाएगी, तो उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, कभी फॉर्म निकले या नहीं निकले तो ट्वेल्थ के बाद ही आप इसे भर सकते हैं और भर दीजिएगा, ताकि आपको एक्सपीरियंस भी मिले और एक जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्लास ट्वेल्थ इसके अंदर पास मांगा जाता है और कुछ नहीं मांगते आपसे इसके अंदर। नेक्स्ट आती है ड्राइवर की जॉब। गाइस, ड्राइवर की जॉब के लिए बहुत आसान है। अगर आपके पास एक लाइसेंस है और क्लास ट्वेल्थ पास हो आप, सो कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इट मीन्स जो ट्रक वगैरह के लाइसेंस होते हैं, बड़ी बड़ी बस के, उसके लाइसेंस होते हैं। इसके अंदर आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है और बिना फिजिकल टेस्ट के सिर्फ आपका इसके अंदर ड्राइविंग टेस्ट होता है। दोनों आपने क्लियर कर लिए, आपको जॉब दे दी जाती है। और गाइस, सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जॉब के लिए, इसके 2400 ग्रेड पे है, लगभग आपके हाथ में 30 से 32 हज़ार मिल जाएंगे आपको। और जो कांस्टेबल की है उसमें 2000 पे ग्रेड पे होता है, लगभग आपके 24 से 25 हज़ार आपको इन हैंड सैलरी मिल जाती है। और ड्राइवर के अंदर भी 2400 ग्रेड पे होता है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। सो ये सारी जॉब थी जो आफ्टर ट्वेल्थ आप दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आप जॉब करना चाहते हैं,
एक देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक बेल्ट की नौकरी चाहते हैं, सोसाइटी में रुतबा चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। सभी के फॉर्म निकलने वाले हैं इस साल, मैं आपको बता दूंगा। कांस्टेबल के फॉर्म 2023 के अंदर निकलेंगे, मतलब जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल के फॉर्म अभी निकलने वाले हैं मई के अंदर इसी साल, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सितंबर में एग्ज़ाम है। इवन ड्राइवर के भी निकलने वाले हैं इस बार जून के अंदर। तो अगर जो भी आपका सपना है, मतलब किसी का जिसमें भी इंटरेस्ट है, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो। इसका क्या सिलेबस रहता है, क्या नहीं रहता है, मैं आपको सब बताऊंगा। आप कमेंट करिएगा कि आपको किस बारे में जानना है, आपको बेसिकली कौन सी पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में जानना है, किसके बारे में डिटेल और चाहिए, तो मैं एक वीडियो डेडिकेट करूंगा उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर। सो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना मिस हो, मेरे से कॉन्टैक्ट में रहना। अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन करने वाले हो तब भी बहुत अच्छी बात है। सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम क्राइटेरिया होता है, सब कुछ आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आप कमेंट कर देना जो भी आपकी क्वेरीज होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी पसंद आया उस वीडियो के अंदर, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली हो इतनी सी भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब को भी पता अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। हमें मोटिवेट मिलता है कि अगर आप लाइक करके जाते हो तो हमें लगता है कि हाँ आपको पसंद आई है वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नोटिफिकेशन पर मिलते रहें। सो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबकी क्वेरीज के साथ, कुछ नहीं अच्छी जॉब्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।